हेलो गाइस, जोहार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे गाइस, एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर भूंज रहे हैं हम, थोड़ा ब्राउन करना है और हो भी गया है, तो इसको बंद कर दे रहे हैं, गैस को ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा ही लाइट ब्राउन ही करना था। तो प्याज है और एक प्याज ब्राउन किए, एक प्याज बारीकी कटा हुआ है, थोड़ा बड़ा ही प्याज है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। और इसमें है सारा फ्राई किया हुआ है, हाफ फ्राई से भी थोड़ा कम फ्राई किया हुआ है कि ज़्यादा फ्राई करने से थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसमें है न्यूट्रॉल, गाजर और पनीर है, ये सब है इसमें मिक्स, एक ही साथ कर दिए हैं। सब अलग अलग फ्राई किए थे बट एक ही साथ मिक्स अभी रख दिए हैं। और ये रहा दही, तो ये हाफ के जी दही है और इतना इसमें दही ऐड नहीं होगा गाइज। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि आज हम क्या बनाने वाले हैं गाइज। तो आज टेस्टी टेस्टी खाना बनाने वाले हैं और आप लोग के लिए भी बनाएंगे। तो आ गया, अब दो पॉट्स है ये बिरयानी मसाला तो एवरेस्ट का, तो अब तो समझ में आ गया होगा गाइस कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम अभी बनाने वाले हैं बिरयानी, वेज बिरयानी। तो इसमें प्याज भी ऐड कर दिए और इसमें बिरयानी मसाला, दोनों पॉट्स इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है, इसलिए हम लोग खाते भी है ज़्यादा ज़्यादा ये सब चीज़ थोड़ा, तो एक बार दो बार तीन बार भी खा लेंगे इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बना रहे हैं गाइस। और ये रहा, ऐड कर रहे हैं इसमें दही और ये है पुदीना पत्ता, क्योंकि पुदीना पत्ता जब तक नहीं डालो तब तक मज़ा नहीं आएगा बिरयानी में। पुदीना पत्ता चाहिए ही चाहिए बिरयानी में, ऐसे अच्छा सा खुशबू नहीं आता है बिरयानी का। तो सारा कुछ इसमें ऐड करके और मिक्स कर देंगे। और मेरे पास गाइज हरी मिर्च नहीं था, तो हरी मिर्च नहीं था तो नहीं डालें, तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ही इसमें ऐड कर दिए थोड़ा सा तीखा होने के लिए, क्योंकि लाल मिर्च तो खाते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डाल दिए क्योंकि नहीं भी तीखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको अच्छे से पूरा मेल्ट करना है गाइज, पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 5 से 8 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, आराम करने देंगे, परेशान नहीं करेंगे इसको। और 5 से 8 मिनट तक आराम कर लेगा तो आराम से इसको कुकर में प्रेशर मार बांध देंगे। तो थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है, देखिए पूरा इक्वल अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद बनाएंगे बिरयानी। तो चावल भी इसमें इधर एक साइड हम धो के रख लिए हैं और इसमें अभी सबको जितना भी मिल्ट करने के बाद सारा कुछ को फ्राई कर देंगे। तो देखिए अभी सब कुछ इसमें फ्राई कर रहे हैं हम, थोड़ा इसमें घी डाल के ही फ्राई कर रहे थे हम, तेज़पत्ता जीरा ये सब सारा कुछ डाल के थोड़ा फ्राई कर दिए हैं। और इसमें 4-5 1 गोटा आलू ही डाल दिए हैं, 4-5 गोटा आलू, क्योंकि आलू भी इसमें रहता है तो अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़ा बड़ा आलू नहीं है, छोटा है, इसलिए पूरा गोटा गोटा ही आलू डाले हैं। बड़ा रहता तो हाफ करके डालते बट छोटा है तो ऐसे ही अच्छा लगता है। आप लोग रेस्टोरेंट भी जाते होंगे गाइस, देखते होंगे कि आलू गोटा गोटा रहता है अगर छोटा होता। और यहाँ पर चावल धो के रख लिए हैं तो अब ये हो चुका है कम्प्लीट। और अब इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा भूंज देते हैं गाइस। मसाला तो ठीक लगता है, अगर नहीं भूंजा हुआ रहता है तो थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगता है, इसलिए थोड़ा भूज देते हैं। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं गाइस चावल, तो चावल इसमें भी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिए इसमें, क्योंकि नमक भी होना बहुत ज़रूरी है, नमक नहीं तो कोई स्वाद ही नहीं, कितना अच्छा बना लो बट नमक नहीं है तो कोई स्वाद ही नहीं, बेस्वाद हो जाता है। और अब जो गाइस जो ब्राउन करके रखे थे हम, भूज के रखे थे प्याज, वो ऊपर से हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और इसमें पानी और घी भी इसमें ऐड कर देंगे सब कुछ। और इसमें आज गाइस हम नींबू डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नींबू डालते हैं कभी कभी नहीं डालते हैं, तो आज मेरे नींबू है मेरे किचन में तो हमने सोचा कि चलो नींबू डाल देंगे। और अभी पानी ऐड कर दिए हैं, पानी को माप के रख लिए थे तो माप के रख लिए थे और इसमें ऐड कर दिए पानी भी। और चावल, जैसे कि 1 गिलास चावल बनाते हैं तो 2 गिलास पानी डालते हैं गाइस, तो इसमें हम 1 गिलास कम पानी डालते हैं। और अब कर रहे हैं ऐड इसमें नींबू, थोड़ा नींबू ऊपर से ही डाला जाता है इसमें, ना कि मिक्स करेंगे तो पूरा अजीब सा हो जाएगा नींबू, अगर जिसमें मिल्ट करते हैं दही वगैरह सब साथ में उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो पानी डाल दिए, उसके बाद नींबू भी डाल दिए, तो अभी कंप्लीट ही हो चुका है, अब इसको बंद करेंगे। और घी अभी तक नहीं डाले हैं गाइस, क्योंकि घी भी डालना ज़रूरी है,
थोड़ा ज़्यादा ही करके, अगर घी में कंजूसी करती हैं तो पूरा अजीब सा सट जाता है, पूरा जो चावल रहता है पूरा एक हो जाता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा घी करके इसमें डालेंगे तो पूरा फैला फैला अलग अलग रहता है इसमें चावल, तो इसलिए थोड़ा 2 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे, उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट गाइस। तो आप लोग भी आइए और खाइए। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा गाइस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बन जाएगा तो खाकर बताती हूँ गाइस। बहुत वाओ, मुंह में तो पानी आ रहा है गाइस, बहुत टेस्टी बना है, बता नहीं सकते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी आइए और खाइए। ओके गाइस, बाय बाय।